क्या आप भी अपने बिजनेस के लिए डोमेन बुक करने वाले हैं? तो वेट वेट एंड वेट ये वीडियो पूरा देख लें। इसमें मैंने 5 ऐसे टिप्स बताए हैं जिसके बाद आप आसानी से आप डोमेन बुक कर लेंगे, तो आपको उस डोमेन से काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, वो डोमेन आपका बहुत जल्द रैंक कर सकता है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपना नॉलेज एनहांस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकन दबा सकते हैं, सो दैट कि जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अभी बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला जो पॉइंट है वो है आपका इजी टू रिमेंबर। सो बेसिकली जब भी आप डोमेन बुक करें तो आपका जो डोमेन नेम होना चाहिए वो बहुत ही आसानी से याद होने वाला होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? मान लीजिए कि अगर हम बहुत डिफिकल्ट सा कर लेते हैं तो अगर किसी को आप अपना डोमेन नेम बता भी दोगे तो वो याद नहीं रख पाएगा। तो इसलिए आपका जो डोमेन नेम है वो इजी टू रिमेंबर होना चाहिए, जो कि एक बार में अगर आपने किसी को अपना डोमेन नेम बता दिया तो वो अगर 2-4 महीने नहीं भी यूज करता है उसके बाद में भी अगर आपके डोमेन पे आना चाहता है तो आसानी से आपके डोमेन तक पहुंच जाए। अब दूसरा जो यहां पे आता है दैट इज आप शॉर्ट नेम होना चाहिए। आपका जो डोमेन का नाम है वो शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर अगेन रिमेंबर आपका जो है पहला पॉइंट डिफिकल्टी आ जाएगी। तो तीसरा जो यहां पे पॉइंट है वो है आपका बिजनेस रिलेवेंसी होनी चाहिए, मतलब आपका जो डोमेन है वो आपका बिजनेस जो भी है आपका जो बिजनेस का नेचर है उससे रिलेवेंसी होना चाहिए, उस डोमेन नेम के अंदर दिखना चाहिए कि आपका बिजनेस कैसा है, क्या करते होंगे आप, ये आइडिया लग जाना चाहिए आपके डोमेन नेम से। चौथा जो है यहां पे अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव कहने का मतलब ट्राई टू यूज द वर्ड आपके डोमेन नेम के लिए, ऐसा वर्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करें। पहले रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, नो डाउट ऑन दैट पार्ट, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपका जो डोमेन नेम है इजी टू रिमेंबर होना चाहिए, आपका जो बिजनेस रिलेवेंसी होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और साथ ही साथ अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए गूगल, राइट, गूगल या याहू, ये कोई नाम नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, बट यहां पर हम लोग इन दोनों को बहुत आसानी से याद रख पाते हैं, चाहे वो गूगल है चाहे याहू है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है एक तो शॉर्ट है, अट्रैक्टिव है और जो है यहां पे इजी टू रिमेंबर है। पांचवा पॉइंट यहां पे है यूज स्पेसिफिक कीवर्ड या फिर निश स्पेसिफिक कीवर्ड का इस्तेमाल करें उसके अंदर। मान लीजिए आपका कोई भी बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तो वर्ड जो है डिजिटल आप जो है उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर जो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट, अगर ये पांचों चीजों को पांचों पॉइंट्स के ऊपर आप कंसीडर करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आसानी से आप जो है नंबर वन पे आ पाएंगे गूगल के जब एसईओ करेंगे। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं तो आप डोमेन बुक अब अपना बिजनेस का कर सकते हैं। लेकिन बिफोर बाइंग रिसर्च करनी है इन 5 पॉइंट के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपका आसानी से इन 5 पॉइंट्स को कवर करता है और वो आपके बिजनेस के लिए काफी अमेजिंग जो है ट्रैफिक लेकर आएगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।